नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। ई बिजनेस के लिए कायम किए गए B2B पोर्टल प्रोजेक्ट को मरकजी हुकूमत की मंजूरी, पार्टनरशिप समिट से चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी का खिताब। अराजी तनाजात की एक सोई के लिए 18 जनवरी से 17 मार्च तक रेवेन्यू सदस्य प्रोग्राम मुनाकिद करने हुकूमत का ऐलान। तेलंगाना तहरीक कमजोर नहीं हुई है, मुखालिफ तेलंगाना साजिशों का जल्द जवाब दिया जाएगा। तेलंगाना स्टीयरिंग कमेटी के इजलास से तेलंगाना कायदीन का खिताब। कांग्रेस ने पार्टी के 3 बागी काउंसिल अरकान के खिलाफ कार्रवाई के लिए सदर नशीन को दी नोटिस। हुकूमत को खत्ते एतमाद की जरूरत नहीं, पाकिस्तानी कौमी असेंबली से वजीर आजम यूसुफ रजा गीलानी का खिताब। तालिबान की लाशों की बेहुरमती करने वाले 2 अमरीकी फौजियों की शिनाख्त कर लेने पेंटागन का दावा। शाम में हालात नहीं सुधरे तो खाना जंगी का इम्कान, अरब लीग के सरबराह नबील अरबी का बयान। और तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में हिंदुस्तानी बल्लेबाज फिर नाकाम, सारी टीम 161 रन पर ऑल आउट, ऑस्ट्रेलिया की शानदार शुरुआत। सबसे पहले देखते हैं क्या है आज की अहम इलाकाई खबरें। वज़ीर-ए-आला किरण कुमार रेड्डी ने बताया कि ई बिजनेस के लिए कायम किए गए B2B पोर्टल प्रोजेक्ट को मरकजी हुकूमत ने मंजूरी दे दी है। बैन-अल-अक़वामी पार्टनरशिप समिट के दूसरे दिन शुरका से खिताब करते हुए किरण कुमार रेड्डी ने बताया कि सरकारी दफातर को शफाफ बनाने के लिए आइंदा 3 सालों में तमाम शोबेजात में ऑनलाइन दरखास्तों के इदखाल को यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि रियासत में सनअती शोबे को तमाम बुनियादी सहूलतें फराहम करने की हुकूमत पाबंद है। चीफ मिनिस्टर ने बताया कि पार्टनरशिप समिट से 6.20 लाख करोड़ सरमाकारी की तवक्के की जा रही है। The state has a robust of well developed industrial infrastructure for business across sectors along with supporting social. रियासती हुकूमत ने अराजी तनाजात की एक सोई के लिए 18 जनवरी से 17 मार्च तक रेवेन्यू सदस्य प्रोग्राम मुनाकिद करने का ऐलान किया है। मीडिया से बात करते हुए वजीर माल रघुवीर रेड्डी ने बताया कि चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी जिले मेदक से इस प्रोग्राम का आगाज करेंगे। उन्होंने बताया कि रेवेन्यू सदस्य प्रोग्राम का मकसद अराजी तनाजात की एक सोई करना है। उन्होंने बताया कि इस प्रोग्राम में तहसीलदार, सर्वेयर, IKP, हिंदू औकाफ के अलावा वक्फ बोर्ड के नुमाइंदे भी शिरकत करेंगे। रघुवीर रेड्डी ने बताया कि इस प्रोग्राम के दौरान अराजियात की तमाम तफसीलात और मौजूदा मौकफ को पेश किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सरकारी अराजियात की निशानदही भी की जाएगी। वजीर माल ने इस सिलसिले में जॉइंट कलेक्टर्स के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हुए इस प्रोग्राम की तफसीलात बताई। उन्होंने बताया कि रेवेन्यू सदस्य प्रोग्राम के दौरान हौलदार किसानों को खर्जात की अहलियत के कार्ड भी तकसीम किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि रेवेन्यू सदस्य प्रोग्राम के दौरान सरकारी अराजियात की निशानदही की जाएगी और उसके बाद इसे गरीब आवाम में तकसीम किया जाएगा। उन्होंने वाजे किया कि इस प्रोग्राम के दौरान सिर्फ अराजी तनाजात की ही यकसोई की जाएगी। रघुवीर रेड्डी ने बताया कि प्रोग्राम के लिए हर इलाके में एक अहदेदार का तखरुर अमल में लाया गया है और प्रोग्राम की तारीख और वक्त के तायुन के लिए तहसीलदार को जिम्मेदारी दी गई है।
उन्होंने बताया कि प्रोग्राम की तफसीलात को कंप्यूटर पर भी अपलोड किया जाएगा। उन्होंने इस प्रोग्राम में अरकान पार्लियामेंट, असेंबली और काउंसिल से भी शिरकत की अपील की। మీ ద్వారా నేను అందరిని కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. అల్టిమేట్ గా గోల్ ఈజ్ టెంపుల్ ల్యాండ్స్ అండ్ వర్క్ ల్యాండ్స్ ప్రొటెక్ట్ చేయాలి అనేటువంటి కొన్ని వాళ్ళకి అవకాశం ఉంటుంది, కొన్ని చోట్ల అయితే మేము ఇచ్చిన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఎక్కడైనా కొంత డెలికేట్ ఇష్యూలు ఉన్నప్పుడు అవసరమైతే పోలీసులు కూడా తీసుకెళ్ళండి అని కూడా చెప్పినాం. అప్పుడు బీదవాడు तेलंगाना तहरीक कमजोर नहीं हुई है और सीमांध्रा के कायदीन की जानिब से की जा रही साजिशों का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। बीजेपी के दफ्तर में मुनक्किदा तेलंगाना स्टीयरिंग कमेटी के इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए कोदंडाराम, राधेश्वर राव और एन नरसिम्हा रेड्डी ने इन ख्यालात का इजहार किया। कोदंडाराम ने कहा कि तेलंगाना जेएसी का 20 जनवरी को इजलास मुनक्किद होगा, जिसमें जेएसी के तमाम जिले और मंडल सतह की कमेटियों के नुमाइंदे शिरकत करेंगे। उन्होंने बताया कि जेएसी के इजलास में आम हड़ताल के बाद मुलाजमीन के साथ की गई नाइंसाफियों का भी जायजा लिया जाएगा और आइंदा की हिकमत अमली को तय किया जाएगा। कोदंडाराम ने 19 तारीख से बीजेपी की जानिब से निकाली जाने वाली तेलंगाना पूर्व यात्रा की तायद का भी ऐलान किया। उन्होंने दीगर जेएसी के नुमाइंदों से भी बीजेपी की यात्रा की तायद करने की अपील की। कोदंडाराम ने कहा कि आम हड़ताल के दौरान मुलाजमीन से किए गए वादों को पूरा नहीं किया गया, इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर से नुमाइंदगी की जाएगी और अगर इसका नतीजा नहीं निकल आया तो सरकारी दफातर के रूबरू धरने मुनज़्ज़म किए जाएंगे। इस मौके पर बीजेपी के राधेश्वर राव ने बताया कि बीजेपी की पूर्व यात्रा 19 जनवरी से 22 जनवरी तक जारी रहेगी। उन्होंने अवाम और तेलंगाना कायदीन से इस यात्रा को कामयाब बनाने की अपील की। टीआरएस के लीडर एन नरसिम्हा रेड्डी ने कहा कि हुकूमत ने मुलाजमीन के साथ गलत रवैया अख्तियार किया है। उन्होंने सीमांध्रा कायदीन और डीजीपी दिनेश रेड्डी पर तेलंगाना अवाम के जज्बात को ठेस पहुंचाने का भी इल्जाम आयद किया। సకల జనుల సమ్మెలో ఉద్యోగస్తులతో కుదుర్చుకున్నటువంటి ఒప్పందాన్ని కూడా గౌరవించినటువంటి ప్రభుత్వం తెలంగాణ ప్రజల యొక్క ఆత్మగౌరవంపై దాడి చేసే విధంగా యాత్రలను అనుమతించినటువంటి ఈ ప్రభుత్వం రేపు తెలంగాణ ప్రజలతో ఇంకా ఈ సమైక్య రాష్ట్రంలో ఎటువంటి सदर तेलुगुदेशम चंद्रबाबू नायडू ने कांग्रेस हुकूमत को फिर तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि कांग्रेस के इख्तियार पर आने के बाद गरीब आवाम का जीना मुहाल हो गया है। चित्तौर में एनटीआर के मुजस्मे की नकाबपोशाई के बाद मुकामी आवाम से खिताब करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि कांग्रेसी कायदीन सिर्फ अपना, अपने अफराद खानदान और अपने साथियों का भला सोच रहे हैं और आवाम के मसाइल को नजरअंदाज करते हुए सिर्फ अपने मफादात की फिक्र कर रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू ने अपने दौरखदार की सिताइश करते हुए कहा कि उनके दौरखदार में अवामी मसाइल और तकालीफ पर तवज्जो दी जाती थी, लेकिन अब अवाम कांग्रेस की वजह से परेशान है। नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट मैं एर्पट्ठा यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट नर्पट्ठा एनडीए गवर्नमेंट 36 मंदिर एंपील तो गेल मन दयादर्श पैन 6.5-7 संवत्सर को तमू ने डबूल दोचे पंचे कष्ट उड़े का నేను ఒకటే ఆలోచించాను, నీతి నిజాయితీగా ఉండాలని ఆలోచించాను, ప్రజల కోసం బ్రతకాలని ఆలోచించాను. నా కుటుంబాన్ని పట్టించుకోలేదు, నా స్నేహితులను పట్టించుకోలేదు, లేకపోతే బంధువులను పట్టించుకోలేదు, లేకుంటే గ్రామస్తులను పట్టించుకోలేదు. అందరూ కూడా కష్టపడి పైకి రావాలని నేను ముందుకు పోయాను. కాంగ్రెస్ దొంగలు వచ్చిన తర్వాత మీరు చూస్తే మొత్తం దొరికింది దొరికినట్టు దోచుకున్నారు. कांग्रेस ने आज पार्टी से ताल्लुक रखने वाले 3 बाकी अरकान काउंसिल के खिलाफ काउंसिल के सदरनशीन चक्रपानी को नोटिस हवाले करते हुए इन अरकान के खिलाफ कार्रवाई की दरखास्त की। काउंसिल के सदरनशीन चक्रपानी ने बताया कि उन्हें कांग्रेस की जानिब से पी पद्मावती के मुरली और एसपी मोहन रेड्डी के खिलाफ दरखास्त मौसूल हो चुकी है और कवायद के मुताबिक इन अरकान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ताहम चक्रपानी ने बताया कि इस्तीफे देने के बाद काउंसिल की कार्रवाई में शिरकत करने से इस्तीफे के क्या मायने बाकी रह जाते हैं। ఎలెక్ట్ కాబడిన పుల్లా పద్మావతి గారైతేనేమి, అలాగే కొండ మురళి గారైతేనేమి, గతంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ వీరిని గుర్తించి ఎమ్మెల్సీ పదవులు ఇచ్చి గౌరవిస్తే लॉ कोर्सेस में दाखिले के लिए लॉसेट इम्तिहान 2 जून को मुनाकिद होगा। इस सिलसिले में मार्च के पहले हफ्ते में इलामिया जारी किया जाएगा। श्री वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी इस साल लॉसेट इम्तिहान की निगरानी करेगी।
बीएड उम्मीदवारों की जानिब से सेक्रेटरियट के घेराव की कोशिश को पुलिस ने आज नाकाम बना दिया। बीएड उम्मीदवार हुकूमत की जानिब से एसजीडी के 70% टीचर्स को स्कूल असिस्टेंट्स के ओहदे पर तरक्की दिए जाने के लिए जारी किए गए जीओ नंबर 7 की मनसूखी का मुतालबा करते हुए एहतजाज कर रहे थे। इस मौके पर एहतजाजी उम्मीदवारों ने बीएड उम्मीदवारों को भी एसजीडी में मौका फराहम करते हुए तरबियत देने का मुतालबा किया। उम्मीदवारों ने बताया कि टीचर्स के लिए दो अहलियती इम्तहान टेट और डीएससी मुनाकिद करते हुए नाइंसाफी की जा रही है। तेलुगुदेशम लीडर पी केशव ने इमार प्रॉपर्टीज और एपीआईसी में हुई बेकायदियों के सिलसिले में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के लीडर अंबाटी रामबाबू को फिर एक बार मुबाहिस का चैलेंज किया है। पी केशव ने बताया कि भूमि तेजा की तामीर में 300 करोड़ रुपए की बेकायदियां की गई हैं। उन्होंने बताया कि पेट्रोल पंप के नाम पर अराजी हासिल की गई थी, ताहम इसका इस्तेमाल माली मफाद के लिए किया गया। తేజా ఎంటర్ప్రైజెస్ పేరుతో జరిగినటువంటి అవినీతి అక్రమాలకు సంబంధించినటువంటి పూర్తి సాక్ష్యాధారాలని నిన్న నేను పత్రికలకు విడుదల చేయడం జరిగింది. ఇవాళ కళ్ళెదురుగా అక్రమాలకు అవినీతికి నిలువెత్తు సాక్ష్యంగా నిలిచినటువంటి 16 అంతస్తుల ఈ భవనాన్ని చూపించడం జరుగుతుంది. ఇది ఒక 300 కోట్ల రూపాయల విలువ చేసేటువంటి ఆస్తి. ఇవాళ రెంటల్ వాల్యూ తీసుకుంటే నెలకు 1 కోటి రూపాయల రెంట్ కనీసం వచ్చేటువంటి పరిస్థితుల్లో ఇవాళ नागार्जुना सागर रोड पर पेश आए सड़क हादसे में 15 अफराद जख्मी हो गए हैं। जराए के मुताबिक नेल्लूर से हैदराबाद आ रही बस ड्राइवर का तवाजुन बिगड़ जाने से उलट गई। पुलिस ने मकामे वाकया पहुंचकर जख्मियों को खानगी हॉस्पिटल मुंतकिल करवाया। इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद मुसाफरीन को दूसरी बस से हैदराबाद रवाना कर दिया गया। जगन मोहन रेड्डी के एहसासजात की जारी तहकीकात के सिलसिले में गिरफ्तार ऑडिटर विजय साई रेड्डी को मजीद 3 दिन की सीबीआई तहवील में दे दिया गया है। अदालत ने सीबीआई को विजय साई रेड्डी से सुबह 10 ता शाम 5 बजे तक वकला की मौजूदगी में पूछताछ की इजाजत दी है। अब नजर डालते हैं कुछ कौमी खबरों पर। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज इस्लाम के बारे में इश्तियालंगेज मजमून लिखने के सिलसिले में जनता पार्टी के सरबराह सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ दायर किए गए मुकदमे में सुब्रमण्यम स्वामी को अबूरी राहत दी है। अदालत की इस हिदायत के बाद सुब्रमण्यम स्वामी को 30 जनवरी तक इस मुकदमे में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। सुब्रमण्यम स्वामी ने उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस की जानिब से एक कौमी अखबार में इस्लाम के बारे में लिखे गए इश्तियालंगेज मजमून पर मुकदमा दर्ज किया था, जिस पर सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत कबल गिरफ्तारी के लिए दरख्वास्त दाखिल की थी। बाजरे के 16 जुलाई को डीएनए अखबार में सुब्रमण्यम स्वामी का एक मजमून बाउनवान हाउ टू रिपोर्ट इस्लामिक टेरर यानी इस्लामी दहशतगर्दी को किस तरह से मिटाया जाए शाय हुआ था। सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने मजमून में यह जाहिर करने की कोशिश की कि और उनके मुताबिक इस्लामी दहशतगर्दी हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मसला है। 30 जनवरी को इस केस की समाअत मुकर्रर की गई है। उत्तर प्रदेश में इंतखाबी मुहिम इल्जाम तराशियों के दरमियान रोज बरोज उरूज पर पहुंचती जा रही है। बीजेपी ने आज फिर अकलियतों को ओबीसी के तहत ज़ेली कोटे की फराहमी के तहकुन पर कांग्रेस को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि कांग्रेस समाज को तकसीम करने के एजेंडे पर काम कर रही है। बीजेपी के सीनियर लीडर अरुण जेटली ने कहा कि कांग्रेस के समाज को तकसीम करने के एजेंडे से मुल्क को भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। अरुण जेटली ने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि दोनों पार्टियां खुफिया तौर पर कांग्रेस के एजेंडे की तायिद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी अकलियतों को मजहब की बुनियाद पर ज़ेली कोटे की फराहमी की मुखालिफ है। हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तीसरे क्रिकेट मैच के पहले दिन हिंदुस्तानी बल्लेबाजों ने इंतहाई गैर जिम्मेदाराना खेल का मुजाहरा किया। ऑस्ट्रेलिया ने आज टॉस जीतकर हिंदुस्तान को पहले बैटिंग करने की दावत दी। मैच के चौथे ओवर में वीरेंद्र सहवाग 0 पर आउट हो गए। इसके बाद 32 रन के स्कोर पर राहुल द्रविड ने अपना विकेट गंवा दिया। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर भी कुछ खास नहीं कर पाए और वो भी 15 रन बनाकर आउट हो गए। गौतम गंभीर जो किसी कदर संभल कर खेल रहे थे वो भी 31 रन पर आउट हो गए। विराट कोहली और वीवीएस लक्ष्मण ने संभल कर खेलने की कोशिश की लेकिन लक्ष्मण भी 31 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद विकेट गिरने का सिलसिला जारी रहा। विराट कोहली 44, कप्तान धोनी 12 रन बनाकर आउट हो गए। हिंदुस्तानी टीम 161 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से हेल्फमन हॉस ने 4 विकेट और सेडल ने 3 विकेट लिए। ऑस्ट्रेलिया इनिंग्स की शुरुआत बहुत ही अच्छी रही और खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने बगैर किसी नुकसान के 149 रन बना लिए थे। वॉरन ने जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए अपनी सेंचुरी मुकम्मल की।
पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रजा गिलानी ने फौज और सुप्रीम कोर्ट के साथ टकराव की कयास आरायों के दौरान आज कौमी असेंबली से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत की मियाद में कमी के अख्तियार सिर्फ पार्लियामेंट को हासिल है, किसी दूसरे इदारे को नहीं। इजलास के दौरान हुकूमत की इत्तेहादी जमात ANP के सरबरा इस्फंदर यारवली ने हुकूमत के हक में करारदाद पेश की जिस पर पीर को वोटिंग होगी। यूसुफ रजा गिलानी ने वाजे कर दिया कि उनकी हुकूमत को खत एतमाद हासिल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पार्लियामेंट ने उन्हें मुत्तफ़ा तौर पर मुंतखब किया है। उनका कहना था कि अगर अपोजिशन और अवाम हुकूमत को 5 साल तक बर्दाश्त नहीं कर सकते तो आईनी करारदाद के जरिए इसकी मियाद में कमी की जानी चाहिए। उनका कहना था कि आईन एक अहम दस्तावेज है जिसका सबको एहतराम करना चाहिए। यूसुफ रजा गिलानी का कहना था कि हुक्मरान आते या जाते रहे हैं लेकिन इदारे कायम रहे हैं। उन्होंने अपोजिशन जमातों पर तनकीद करते हुए कहा कि अपोजिशन को शायद यह गलत फहमी है कि हम NRO या फौज से बचने के लिए असेंबली में आए हैं। उन्होंने कहा कि वो शहीद होने या इदारों के टकराव के लिए भी असेंबली में नहीं आए हैं। उन्होंने कहा कि उनकी जमात मुश्किलात का सामना करते हुए यहां तक पहुंची है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इस बात पर जोर दिया कि एक ऐसा आईन बनाया जाए कि इसकी तशरीह दूसरों को न करनी पड़े। पहले कभी कोई आर्मी चीफ आया या कोई ज्वाइंट चीफ आया या कोई सर्विसेज चीफ आए या DGI या SI आया यहां आकर आपके साथ इन कैमरा या आउट ऑफ कैमरा उनके साथ आपने क्वेश्चन आंसर्स किए? मेरी जिंदगी में तो मैंने नहीं देखा। यह पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि वो रिस्पॉन्सिबल हुए, अकाउंटेबल हुए इस हाउस के सामने। उसका मकसद कतन ये नहीं है कि हम किसी इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ हैं। उसका कतन मतलब नहीं हम जुडिशरी के खिलाफ लाना चाह रहे हैं। उसका कतन इशू नहीं है कि हम फौज के खिलाफ लाना चाह रहे हैं। इसलिए वी आर पॉलिटिकल पीपल, वी आर परफॉर्मिंग आवर रोल्स अंडर द एम्बिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कोई ज्यादा अजाब भी आ गया तो हम आवाम में चले जाएंगे मगर किसी से भीख नहीं मांगेंगे। पार्लियामेंट, या तो आप ये एक फैसला कर लें या इस मुल्क में जमहूरियत होगी या इस मुल्क में डिक्टेटरशिप होगी। इसका मकसद यह नहीं है कि अगर हम गलतियां करें तो जमहूरियत को सजा दी जाए। ठीक है, हमने अगर गलतियां की होंगी, आपने भी की होंगी, मगर उसका मकसद नहीं कि सजा किसको मिले, जमहूरियत को मिले, पार्लियामेंट को मिले। कॉन्स्टिट्यूशन में इनबिल्ट होना चाहिए। अगर वॉट एवर द अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन यू वॉन्ट टू मेक, आई एम रेडी टू सपोर्ट यू। उधर पाकिस्तान के वज़ीर दाखला रहमान मलिक ने बाज़ अपोजिशन जमातों की जानिब से हुकूमत से किए जा रहे इस्तीफे के मुतालबों को मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तानी पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से बात करते हुए रहमान मलिक ने कहा कि अवाम ने हुकूमत को 5 साल हुकूमत करने का मैंडेट दिया है और हुकूमत अपनी मियाद पूरी करेगी। उन्होंने कहा कि मुल्क का अदलिया आज़ाद है और आज़ाद इदारे अपने दायरे हदूद में काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के अवान सदर के तर्जुमान फरतुल्ला बाबर ने बताया कि सदर आसिफ अली जरदारी दुबई के खानगी दौरे के बाद वतन वापस पहुंच गए हैं। AFP से बात करते हुए फरतुल्ला बाबर ने कहा कि सदर जरदारी शादी की तकरीब में शिरकत के लिए दुबई गए थे और सुबह 5 बजे वो दुबई से वापस पहुंचे। इस दौरान पाकिस्तानी वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने हफ्ते को काबीना की दिफाई कमेटी का इजलास भी तलब कर लिया है जिसमें फौज के सरबराह जनरल अशफाक परवेज कियानी भी शरीक होंगे। कयास किया जा रहा है हुकूमत के इस इकदाम से हुकूमत और फौज के दरमियान जारी कशीदगी में कमी आ सकती है। तज्जिया निगारों के मुताबिक 1999 की बगावत के बाद फौज और हुकूमत के दरमियान कशीदगी बदतरीन सतह पर पहुंच चुकी है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई ने ईरानी जौहरी संजना के कत्ल के लिए अमेरिका और इसराइल की खुफिया एजेंसी को जिम्मेदार करार दिया है। उन्होंने कहा कि ईरान के जौहरी प्रोग्राम का अनुसार किसी एक शख्स पर नहीं है और यह प्रोग्राम जारी रहेगा। उन्होंने संजना के खत्म में मुलविस अफराद को सख्त सजाएं देने का मुतालबा किया। ईरान ने कहा है कि वह अपने मुतनाजा जौहरी प्रोग्राम पर 6 ताकतवर ममालिक से बातचीत के लिए तैयार है। यह ऐलान ईरान ने एक ऐसे वक्त किया है जब चंद दिन पहले अक़वामे मुत्तहिदा ने तस्दीक की थी कि ईरान ने अपने ज़ेर ज़मीन प्लांट में यूरानियम की 20% अफजूदगी शुरू कर दी है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर अली लारीजानी ने तुर्की के दौरे के दौरान कहा कि उन्होंने तुर्की की जानिब से मुज़ाकरात की बहाली के लिए की गई पेशकश को कबूल कर लिया है। वाज़ह है कि ईरान और 6 ताकतवर ममालिक के दरमियान ईरान के मुतनाज़ा जौहरी प्रोग्राम पर होने वाले मुज़ाकरात 1 साल से तातुल का शिकार हैं और 1 साल कबल मुज़ाकरात का आखिरी दौर तुर्की में ही हुआ था। इस दौरान अक़वामे मुत्तहिदा के जौहरी तवानाई के इदारे IAEA का आला सतही वफ्द जारी माह के आखिर में तेहरान जाने का मनसूबा बना रहा है। 2 मुख्तलिफ सफारती ज़राए ने इस दौरे की तस्दीक करते हुए खतई तारीख बताने से गुरेज किया है। इम्कान है कि वक्त तेहरान हुकूमत को उसके जौहरी सरगर्मियों के बारे में आलमी बरादरी और अपने इदारे की तशवीश से वाकिफ करवाएगा।
अमरीकी हुकाम का कहना है कि तालिबान की लाशों की बेहरमती करने वाले दो अमरीकी फौजियों की शिनाख्त कर ली गई है। गुज़िश्ता दिनों तालिबान की लाशों की अमरीकी मैरिन्स की जानिब से की गई बेहरमती की वीडियो मंजरेआम पर आ गई थी, जिसके बाद अफगानिस्तान हुकूमत के अलावा मुख्तलिफ गोशों से अमरीकी फौज को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था। पेंटागन ने वीडियो के मंजरेआम पर आने के बाद वाकये की तहकीकात का हुक्म दिया था। वीडियो में नजर आने वाले चार अमरीकी फौजियों में से दो की शिनाख्त कर ली गई है। दीगर मैरिन्स का ख्याल है कि वीडियो काबिल एतबार है। शिनाख्त किए गए दो अमरीकी फौजी सेकंड मैरिन के तीसरी बटालियन का हिस्सा बताए गए हैं और इस यूनिट ने मार्च से सितंबर 2011 तक अफगानिस्तान के सूबे हिलमंद में अपनी खिदमात अंजाम दी थी। उधर तालिबान के तर्जुमान ने कहा कि अगरचे के तस्वीर अफसोसनाक थी, तहम लाशों की बेहरमती के वीडियो से मजाकरात और कैदियों की रिहाई का अमल मुतासर नहीं होगा। शाम के मौजूदा हालात पर तशवीश का इजहार करते हुए अरब लीग के सरबरा नबील अरबी ने कहा है कि मौजूदा हालात और वाकयात को देखते हुए यह महसूस होता है कि शाम खाना जंगी की जानी बढ़ रहा है। काहिरा के एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए नबील अरबी ने यह खदशा जाहिर किया है कि शाम के हालात पड़ोसी ममालिक पर भी असरअंदाज हो सकते हैं। उन्होंने इस बात का एतराफ किया कि मुबसरीन की मौजूदगी की वजह से मुजाहरीन की हलाकतों में कमी आई है। नबील अरबी ने शाम में बैरूनी फौजी मुदाखलत के इम्कान को भी मुस्तरद कर दिया। उधर दूसरी जानिब गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से की गई कार्रवाइयों में मजीद 40 अफराद हलाक हो गए हैं। शाम के हालात पर नजर रखने वाली इंसानी हकूक की तंजीम जनरल इनकलाब कौंसिल ने बताया कि बशर अल-असद की वफादार फौज की जानिब से हमस, अदलब और हमा में की गई कार्रवाइयों में ये हलाकतें हुई हैं। महलुकीन में कमसिन बच्चे भी शामिल हैं। यह भी पता चला है कि सरकारी फौज में फूट का सिलसिला भी बदतर होता जा रहा है और कई शहरों में सरकारी फौजी बागियों से जा मिले हैं। उधर अलब्रिक मुबसर मिशन के मुस्तफी रुकन अनवर मलिक ने बताया कि कत्ल की धमकियों की वजह से उन्हें शाम छोड़ना पड़ा। उन्होंने अरब लीग मुबसर मिशन के सरबरा मुस्तफ़ा अल-दाबी पर तनकीद करते हुए कहा कि अल-दाबी शाम के बारे में गलत खबरें फैला रहे हैं। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज़।